एक पूरा ये एरिया देख पा रहे होंगे, ये कपल जोन एरिया था। तो ऊपर पेड़ों पे उल्टे लड़के चमकादार देखने को दिख जाते हैं। सारे यहाँ माउंटेन्स हैं, देख सकते हैं इस पूरे पार्क को। सामने लेक है हमारे, हेलो गाइस, माय नेम इज जीतू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फिर से आपका स्वागत है एक नए दिल्ली ब्लॉग में। और दोस्तों दिल्ली ब्लॉग में मैं आज आ चुका हूँ डियर पार्क, जो कि हौज खास में स्थित है। और दोस्तों जैसा कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जानते होंगे डियर पार्क, अगर नहीं जानते तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे और यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस पार्क में ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो कि आपको किसी भी पार्क में देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों ये पार्क फैमिली, कपल, किड्स सबको कम्प्लीटली कवर करता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा एक्सप्लोर करके दूंगा ये पार्क, इस पार्क में क्या क्या खास चीजें हैं। सो जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज आप भाई आपके लिए से इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो लाते रहता है। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सामने है गेट, एंट्री ले लेते हैं यहाँ से। तो गाइस जैसे हम उस गेट से एंट्री लेते हैं तो कुछ इस तरह का दोस्तों यहाँ पर नजारा होता है। सामने इस तरह का दोस्तों रास्ता है और दोनों तरफ आपको ग्रीन से ब्यूटीफुल से पार्क दिखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा आज पार्क। तो दोस्तों थोड़ा सा अंदर आते हैं तो लेफ्ट साइड दोस्तों हमें पहला वे मिल जाएगा जाने के लिए, जहाँ पे आपको दोस्तों देखने को झील मिल जाएगी। बट दोस्तों जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड एक रास्ता मिल जाता है जो कि दोस्तों जा रहा है झील की तरफ, तालाब की तरफ। और आगे वाला दोस्तों जो कट है लेफ्ट साइड वो जा रहा है डियर पार्क की तरफ, जहाँ पर डियर वगैरह देखने को मिलती है। सो दोस्तों हम पहले एक्सप्लोर करने वाले हैं झील को, कि झील का एरिया किस तरह से होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों ये रास्ता जा रहा है लेक की तरफ, चलिए हम भी चलते हैं। थोड़ा संदर आने के बाद इस तरह का एक हट मिल जाता है जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट देखो, तो आप देख सकते हैं काफी सारी सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफी सारी सिटिंग है यहाँ पे अपना जस्ट इस साइड दोस्तों जा रहा है रास्ता, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सामने आ गया गेट, अब यहाँ से हम ले रहे हैं एंट्री और यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है हमारे जो तालाब का एरिया है, लेक एरिया पूरा दोस्तों यहाँ से हमारा पूरा स्टार्ट हो जाता है। सो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल राइट साइड में आपको एक जिम टाइप का मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम की सारी मशीनें हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही उस गेट से एंट्री लेते हैं तो हमें एक इस तरह से एक विशाल सा पेड़ मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इन्होंने ब्यूटीफुल बना रखा है। और साथ साथ दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल जस्ट सामने ही एक प्यारा सा तालाब देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पूरा दोस्तों कितना खूबसूरत पार्क है। और दोस्तों ये पार्क पूरा इस चारों तरफ से पूरा घिरा हुआ है। सो दोस्तों चलिए इस साइड चलते हैं और पूरा आपको घुमाते हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि झील के अंदर एवं बाहर विद्युत उपकरण है, तो दोस्तों यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। बाकी दोस्तों ये पूरा आप एरिया देख रहे होंगे, साइड साइड से इन्होंने ऐसा वे बना रखा है और यहाँ पे दोस्तों आप बैठ भी सकते हैं और इस दुर्लभ नजारे का मजा भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी आप पूरा ये वीडियो में देख पा रहे होंगे बेहद ही खूबसूरत है। और दोस्तों जस्ट आप इस साइड एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी ही खूबसूरत यहाँ पे ये रिवर दिख रही होगी और रिवर दोस्तों चारों तरफ ये पेड़ों से ढकी हुई है और बगल से दोस्तों रास्ता जा रहा है। शायद अभी आप शायद दोस्तों वीडियो में देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर पेड़ों पर उल्टे लड़के चमकादार देखने को दिख जाते हैं। ये देखिए दोस्तों सारे इन सब पेड़ों पर चमकादार लटके हुए हैं। और दोस्तों मैं वहीं बात करूं कि इसकी लोकेशन की, तो डियर पार्क हौज खास में पड़ता है और इसके जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है ग्रीन पार्क का, जहां से दोस्तों इसका डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर का है, जिसे आप एज ऑटो करके आ सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करूं ऑटो से तो दोस्तों ऑटो वाला आपसे 50 रुपीज़ चार्ज लेगा जो आपको ईजिली यहाँ पर छोड़ देगा, तो 50 रुपीज़ ऊपर से आप चार्ज यहाँ मत देना। और दोस्तों मैं बात करूँ इसकी टिकट प्राइस की, तो यहाँ टिकट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पार्किंग की बात करूँ दोस्तों पार्किंग भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट MCD की पार्किंग इसके फ्रंट पर ही है। तो दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी बड़ी यहाँ एक पार्किंग है जैसे कि आप वीडियो दोस्तों देख पा रहे होंगे। सो दोस्तों इस पार्क में आपको काफ़ी सारे मॉन्कीज देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ मॉन्कीज हैं। यह है दोस्तों मुंडा गुंबद जो कि खिलजी वंश ने बनवाया था। और बाकी दोस्तों समय आप इसकी हालत देख सकते हैं काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया। चलिए आपको थोड़ा पास से चल के दिखाता हूँ किस तरह से सिस्टम इसकी हालत है। तो दोस्तों ये सामने है मुंडा गुंबद जो कि दोस्तों सिस्टम आप देख पा रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं किस तरह से है ये। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ी ऊंचाई दोस्तों थोड़ा सा इस नॉर्मल जगह के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ऊंचाई पे बना हुआ है ये।
सो दोस्तों अभी इस समय आप इसके हालात देख सकते हैं किस तरह से है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से किस तरह से है। सो दोस्तों हम जैसे एंट्री करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं जो कि दोस्तों रात में जलती हैं, और दोस्तों कुछ इसका इस तरह का नज़ारा है। साइड से सीढ़ियाँ हैं और बाकी दोस्तों इसका आप गुंबद देख सकते हैं किस तरह का बना हुआ है। ये इस तरह से आपको यहाँ पे इसके चार गेट देखने को मिल जाते हैं, और सेम दोस्तों ऐसी यहाँ पे आपको एक सीढ़ी साइड मिल जाएगी, एक सीढ़ी साइड मिल जाएगी, चारों तरफ दोस्तों आपको सीढ़ी देखने को मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों अभी इसकी थोड़ी हालत ख़राब है, लोगों ने अपने नाम वगैरह लिख के इसकी खूबसूरती थोड़ा सा बिगाड़ दिया। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं और आप ऊपर से दिखाता हूँ ऊपर से कैसा है। तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मैं इस गुंबद के बिल्कुल सबसे ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर का नज़ारा दोस्तों कुछ यहाँ पे इस तरह का है। हाँ, इस तरह के दोस्तों पूरे पत्थर हैं ये, और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे पार्क को, सामने लेक है हमारे, और यहाँ पे पूरा पार्क देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी छत है ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। बाकी भाई अभिलाष भाई यहाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। सो दोस्तों मुंडा गुंबद के जस्ट बगल में एक आपको बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको जिम पार्क भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे दोस्तों हर तरह की आपको मशीन देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये पूरा आपको काफ़ी सारे लोग वहाँ बैठे हैं और बच्चे वगैरह भी यहाँ पे खेल रहे हैं। सो दोस्तों ये पूरा एरिया एक नॉर्मल एरिया है जहाँ पे फैमिलीज बच्चे और काफ़ी सारे लोग आपको बैठे मिल जाएंगे और खेलते बच्चे मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे आपको ये। और दोस्तों आप अभी एक बार पूरा एरिया देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरे वीडियो में कि किस तरह का पूरा दोस्तों एक एरिया है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी घने घने यहाँ पेड़ हैं। तो मैं इस पार्क के अभी थोड़ा सा अंदर आ चुका हूँ, और अभी दोस्तों मैंने आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर दिखा दी हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि ये पार्क जस्ट फॉर कपल्स या एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको हर जोन की कैटेगरी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर कपल्स भी देखने को मिल जाएंगे, फैमिली देखने को मिल जाएगी। अभी दोस्तों मैं जिस एरिया में हूँ, जस्ट हमारे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर तालाब है, और जस्ट इस साइड दोस्तों बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों आपको फैमिलीज देखने को मिल जाती हैं, बच्चे खेलते दिख जाएंगे, कपल्स देखने को मिल जाएंगे, बेहद ही खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सो दोस्तों अभी यहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे आपको काफ़ी सारी बत्तख देखने को मिल जाती हैं, और दोस्तों देख सकते हैं बत्तखें यहाँ पे हैं और रेस्ट करें। कुछ बत्तखें दोस्तों आपको उस साइड देखने को पूरी मिल जाती हैं। दोस्तों जो ये डियर पार्क है, ये दिल्ली का सबसे फेमस पार्क इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको फॉरेन कंट्री के लोग भी घूमते हुए दिख जाएंगे, तो दोस्तों इससे पता लगा सकते हैं इसकी पॉपुलरिटी का। और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको पार्क देखने को मिल जाएगा, झील देखने को मिल जाएगी, क्लब देखने को मिल जाएगा। वही सामने आ गया ये हौज खास का किला, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में बना हुआ है। आपको दिखा दूँ मैं, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पूरा ये वहाँ से स्टार्ट है, पूरा ये किला है। और दोस्तों आपको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ काफ़ी लोग आपको बैठे मिल जाएंगे। दोस्तों जिस टाइम पे एक टाइम पे यहाँ पे ये बेहद ही खूबसूरत जगह थी, और अब दोस्तों इसके आप हालत देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको जगह जगह कपल्स इस तरह के बैठे मिल जाएंगे, और कुछ लोग दोस्तों आप यहाँ फोटोज क्लिक कराते भी आपको देखने को मिल जाते हैं। वैस जो मैंने ये पूरा लेक वाला एरिया था मैंने पूरा घूम लिया है, और दोस्तों ये बेहद ही खूबसूरत जगह है। और दोस्तों आपको नॉलेज के लिए बता दूँ कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप फोटोज़ और वीडियोज़ के शौकीन हैं तो दोस्तों ये प्लेस काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप दोस्तों पीछे वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर रील्स या फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ का बैकग्राउंड देख सकते हैं एक बार वीडियो में, बेहद ही खूबसूरत है, जो कि दोस्तों वीडियो और फोटोज़ के लिए तो बेस्ट है ही है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं डियर पार्क में, जो इसका जो नाम पड़ा हुआ है डियर पार्क, उसकी तरफ, जहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी सारे हिरण देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों अगले वे पे है। चलिए चलते हैं। सो दोस्तों अब बारी आ गई डियर पार्क की, जहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे डियर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है शुक्रवार के दिन ये जो रास्ता है डियर पार्क वाला ये बंद रहता है। और दोस्तों इसकी बात करूँ मैं टाइमिंग की, तो दोस्तों टाइमिंग का भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मार्च और सितंबर ये सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ओपन रहता है, और विंटर में 5:30 से 9 बजे तक इस तरह से ओपन ये रहता है। सो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, और अंदर चले देखते हैं दोस्तों किस तरह से है ये। बाकी दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे इस पार्क में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ग्रीननेस है, और अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना, मतलब आपको जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी सारा दोस्तों एक इन्वायरमेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों नेचर फ्रेंडली है। जैसे आप देख पा रहे हैं वो पूरे एरिया जंगल टाइप का दिख जाएगा, यहाँ पर आने वाले दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। दोस्तों अगर आप देख सकते हैं यहाँ पूरा एक इन्होंने इस तरह का जंगल बना रखा है,
और दोस्तों जंगल बना रखा है, साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे सफाई देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों ऐसा नहीं कि इधर के पत्तों के काफ़ी सारे जगह पत्ते मिलेंगे, गंदगी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड नीट दुरुस्त साफ सुथरा बना रखा है। और दोस्तों जस्ट इस साइड देख सकते हैं, ये है दोस्तों डियर पार्क का जो मेन एरिया जहाँ पे आप काफ़ी सारे हिरण देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डियर पार्क कहा जाता है, यहाँ पे आप काफ़ी सारे डियर देखने को मिल जाते हैं और एक काफ़ी दोस्तों बड़े एरिया में है। दोस्तों डियर पार्क के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको किड्स जोन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों अगर बच्चे वगैरह बच्चे आते हैं सो उनके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे एक्टिविटी और झूले वगैरह हैं। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चों वाले झूले काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं बच्चों की क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे है। अगर आप पूरा सिनेमैटिक शूट देख लीजिए किस तरह का पूरा एरिया, आपको चारों तरफ जंगल देखने को मिल जाता है और दोस्तों पक्षियों की चहचहाहट देखने को मिल जाती है, जहाँ पे चिड़िया कबूतर तोते वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कबूतर चिड़िया तोते सब सारे तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये कुछ यहाँ पे इस तरह का पूरा एक व्यूज है, चारों तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत दोस्तों जगह है, नेचर फ्रेंडली है। सो दोस्तों दिस प्लेस इज फॉर यू, तो आपको यहाँ मजा आने वाला है। तो इस तरह का यहाँ पूरा किड्स के आपको झूले देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं किड्स वगैरह यहाँ पे झूला भी झूल रहे हैं। और दोस्तों ये पूरा एक एरिया है जहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग तरह की स्लाइड देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों स्लाइड में दोस्तों डिफरेंसेस दोस्तों देख सकते हैं, ये स्लाइड हो गई और दोस्तों थोड़ी सी ये जिगजैग टाइप की स्लाइड हो गई और ये राउंड 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 टाइप की स्लाइड हो गई। दोस्तों एक झूले के अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसा एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात करो झूलों की, तो एक इस तरह का यहाँ पर झूला होता है और एक इस तरह का नॉर्मल झूला है। और दोस्तों इस तरह से आप हैंगिंग वगैरह कर सकते हैं, एक दोस्तों झूला ये है। तो दोस्तों काफ़ी सारे छोटे छोटे झूले देखने को मिल जाते हैं, एक दोस्तों स्मॉल किड्स के लिए झूला ये भी है और एक दोस्तों झूला ये है सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे बच्चे के साथ साथ यहाँ बड़े लोग भी काफ़ी सारे इन्जॉय कर रहे हैं, सारे झूले वगैरह झूल के आप देख पा रहे होंगे। ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा एक पूरा जंगल है। और दोस्तों जंगल आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और जस्ट इसके आपको लेफ्ट साइड देख सकते हैं एक और मकबरा है। चलिए दोस्तों चलते हैं, मैं आपको थोड़ा पास से चल दिखाता हूँ कि कौन सा मकबरा है क्या है। सो दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं ये है बाग आलम का गुंबद। और दोस्तों सामने आप देख पा रहे होंगे इसकी खूबसूरती, बेहद ही खूबसूरत है। दोस्तों चलिए दोस्तों आपको मैं अंदर चल दिखाता हूँ कि किस तरह से बना हुआ है, क्या चीज़ है इसके अंदर, दोस्तों किस इसके बाहर से खूबसूरती देख पा रहे होंगे अंदर, और अंदर से देखते हैं किस तरह से है ये। सो दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये टूट फूट हो चुका है यहाँ पे समय के साथ साथ। सो दोस्तों हम जैसे थोड़ा सा अंदर आते हैं, सो दोस्तों हमें यहाँ पे एक बेहद ही ब्यूटीफुल सा गुंबद देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसका दोस्तों गुंबद देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। और दोस्तों साथ साथ यहाँ पे आपको एक दो तीन कवर देखने को मिल जाती हैं और ये तीनों कवर हैं। और दोस्तों कुछ यहाँ पे इस तक नज़ारा है आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, बेहद ही खूबसूरत दोस्तों नज़ारा है देख पा रहे। थोड़ा सा दोस्तों लाइटिंग का इशू हो सकता है यहाँ पर शायद आपको, लेकिन दोस्तों इसका जो सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों ये गुंबद है इसका। दोस्तों जस्ट इस गुंबद के जस्ट लेफ्ट साइड आपको इस तरह से दोस्तों देख मिल जाएगा। आई थिंक दोस्तों मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि ये भी दोस्तों कवरें हैं काफ़ी सारी। और इस साइड भी दोस्तों आपको इस साइड पर आपको काफ़ी सारे ये हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और शायद दोस्तों आई थिंक ये दीवार इसी की दीवार होगी जो समय के साथ टूट गई होगी। बाकी दोस्तों आप देख पा रहे हैं देख सकते हैं कितना ये भी मतलब समय के साथ दोस्तों इसका भी जो हालत है काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई है। और ये कुछ दोस्तों इस तरह का पुराना नज़ारा है, चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों इस पार्क के अंदर जैसा कि किड्स फैमिली कपल्स के साथ साथ दोस्तों इस ऐतिहासिक मोनूमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों एक सबसे अच्छी बात यह कि ये गवर्नमेंट के आरक्षण के अंदर हैं, सो इसकी मेंटेनेंस और देख रेख भी गवर्नमेंट कर रही है, जो कि दोस्तों बेहद ही अच्छी चीज़ है। और दोस्तों थोड़ी सी मरम्मत वगैरह भी टाइम टाइम यहाँ पे चलती रहती है, दोस्तों थोड़ी बहुत मरम्मत चल रही है। सो दोस्तों ये बेसिकली एक पूरा ये एरिया देख पा रहे होंगे, ये कपल जोन एरिया है जहाँ पे आप काफ़ी सारे कपल्स दोस्तों देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आसपास। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, तो आपको दोस्तों जगह जगह यहाँ पे आपको कपल्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा कपल एरिया है, तो इस जगह भी आप आ सकते हैं। गाइस दो से ढाई घंटे में मैंने पूरा ये पार्क घूम लिया है। और दोस्तों ये पार्क बेहद ही खूबसूरत है जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा।
और दोस्तों जैसे कि आपने काफ़ी सारे पार्क मेरी वीडियोस देखी हैं, तो दोस्तों ये पार्क बेसिकली काफ़ी सारी कैटेगरीज को कवर करता है। जैसे मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि फैमिलीज के लिए भी इसमें अलग जगह है, किड्स के लिए भी हैं और कपल्स का भी अलग जोन है। दोस्तों सारे यहाँ कैटेगरी बांट रखे, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत अच्छा अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, चाहे कपल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सिंगल हैं, फैमिली साथ हैं, काफ़ी ऐसा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ ही जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस एक पार्क के अंदर आपको दोस्तों एक लेक देखने को मिल जाती है और एक हिरन एरिया बना था वहाँ पे आपको मिल जाता है, और एक साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी हैं जो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ साथ दोस्तों बाकी आपने देखा है किड्स जोन भी इन्होंने बना रखा है। तो कहने मतलब दोस्तों ये कि ये एक बेहद ही खूबसूरत पार्क है। और बात करूँ मैं यहाँ पे हॉर्स कास्ट फोर्ट की, तो यहाँ पे दोस्तों उसका टिकट है 25 रुपीज़, जिसकी एंट्री आप बगल साइड से ही है। तो अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं और वहाँ पे जाके वहाँ पे अपनी फोटोज वीडियोस क्लिक करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपको हेल्प के लिए इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो लाता रहता है।